हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है आइकन साइज को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेटिंग जो है ना आइकन साइज की चेंज होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग का, होम सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। अब आपको होम सेटिंग के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड राउंडेड कॉर्नर का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा आइकन साइज का। ठीक है, आइकन साइज में आपको जो है ना दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो स्मॉल का, एक लार्ज का। ठीक है, और ये आपको ऊपर की साइड में जो ऐप आइकन दे रखे हैं ना, ये आपको सैंपल में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये जो है ना मेरा पहले से लार्ज पे मेरा पॉइंटर टिक मार्क लगा हुआ है, आपका भी इस तरीके से किसी भी स्मॉल या लार्ज पे पहले से टिक मार्क लगा होगा। ठीक है, मैं इसका यूज बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं इस पॉइंटर को अगर मैं स्मॉल पे टिक मार्क लगाऊंगा ना, तो आप यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे इनका जो साइज है ना इनका छोटा हो जाएगा हल्का सा। ठीक है, ये देखिए हल्का सा छोटा हो गया। ठीक है, अब मैं इसे फिर से यहाँ पर जो है ना आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप आइकन होंगे ना उनका साइज जो है ना इसी तरीके से आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है ना ये आइकन साइज में अगर आप जो है ना आइकन साइज को अगर ये लार्ज पे टिक मार्क लगाएंगे ना, तो इनका जो ऐप आइकन का ऊपर में सैंपल में दे रखा है साइज, ये इनका साइज बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपके पूरे मोबाइल फोन में ऐप आइकन का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग इस तरीके से आप चेंज करके इसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर आप टाइप करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको अगले पेज में आइकन साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।